हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल रेनबाल। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड ऑल्सो डूइंग स्टडीज ऑन टाइम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस इन डिटेल्स। सो यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग प्रोसेस, so staffing is referred as both line as well as a staff activity. It is referred as line activity because like other functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing is also performed by every manager. It is a staff activity because it is an important area of management, also like marketing management, financial management. We have human resource management department also in large organization. So the steps involved in the staffing process are, first is estimating manpower requirement. So what is manpower? Manpower, which is also called as human resource management, consists of putting right number of people, right kind of people at the right place, right time, doing the right things for which they are suited for the achievement goods of the organization, that is manpower. So setting process begins with the estimation of manpower requirement, which means finding out number and type of employees needed by the organization in near future. कि आपको कितने persons, कितने employees की requirement है और कौन कौन से किस type के workers या employees की requirement है. तो first work, आपका first step क्या होगा, ये आप analysis करोगे कि आपको कितना, या confirm करोगे कि कितने number of workers की आपको requirement है और किस type के workers की आपको requirement है एक organization में. So manpower requirement is not only to find out number of people needed but also the type of people. Types mean what should be the qualification, educational background of the people whom we need to appoint. While assessing the type of manpower required, company should also make policy regarding number of people to be अपॉइंटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन फोर्सेस, माइनॉरिटी एक्सेट्रा. आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, PSUs हैं, उनमें कोटा बना हुआ होता है जनरल OBC, ST, SC का, इनका, इस अकॉर्डिंग. ठीक है, आप देखते ही हैं जनरली. सो फॉर एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स. फर्स्ट वर्कलोड एनालिसिस, सेकेंड वर्कफोर्स एनालिसिस एंड थर्ड इज कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट इज वर्कलोड एनालिसिस. वर्क काम, लोड प्रेशर, वर्क प्रेशर. सो दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितने कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. नाउ सेकेंड इज वर्क फोर्स एनालिसिस. इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजिशन एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन और अंडरबर्डन. सो आप ये ध्यान रखिए कि स्टाफिंग सिर्फ एक ही बार नहीं किया जाना है. वो बिजनेस चल रहा है, उसके लास्ट तक स्टाफिंग का काम चलता रहता है, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, हायरिंग, न्यू जॉब्स, तो ये सब काम चलता रहता है. सो अब वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या करना है आपको, जो पहले से जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है वो कितने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है. कौन छोड़ के जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, उनकी जगह किसको रखना है, क्या करना है, ये सारा इसमें हमें डिसाइड करना होता है. कंपैरिजन. नाउ After doing workload analysis and workforce analysis, the manager compares both as excess of workload over workforce indicates understaffing and you need to appoint more people, whereas excess of workforce over workload indicated overstaffing and you need to remove or transfer some employees elsewhere.
जो आपके इम्पॉर्टेंट जो वर्कर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम जो न्यू वर्कर्स की जो डिमांड है वो भी ध्यान में रखेंगे, और हमारे पास में एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनका भी, एम्प्लॉयज़ है उनका भी हम ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन करेंगे, और हमें किसकी और कितनी नीड है, कितने एम्प्लॉयज़ की हम नीड है वो हम डिसाइड करेंगे। सो एज बोथ ओवर स्टाफिंग एज वेल एज अंडर स्टाफिंग आर अनडिज़ायरेबल, सो द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द मेन पावर रिक्वायरमेंट बाय क्विटिंग वर्कलोड एनालिसिस टू वर्कफोर्स एनालिसिस। नाउ सेकेंड इज रिक्रूटमेंट, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर सेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपने देख लिया कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या किया आपने, उन लोगों के सामने उनके उनका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, और उसमें बहुत सारे चॉइस, मतलब जो वर्कर्स की थी वो चॉइस रखी कि हाँ आप सब एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन मोर डिज़र्विंग पर्सन है। ओके, सो द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। If we can fulfill the requirement from inside the organization through transfers and promotion, then it is very economical and fast. But generally, organization has to fulfill its requirement from outside the organization. Okay, to recruit people from outside the organization, contact various placement consultants, employment exchanges, contractor, etc. But the most common way to recruit fresh talent is through advertisement. आज आपके स्कूल में टीचर की नीड है तो आप क्या करेंगे, हम एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि हाँ हाँ ऐसे सर जॉब वैकेंट है, आप इस पोजीशन पे हमारे पास में, आप एडवर्टाइजमेंट देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सो कंपनी एडवर्टाइजेज इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एंड मैनी जॉब सीकर्स आफ्टर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट अप्लाई फॉर द जॉब। आप न्यूज़पेपर में देखिएगा, एक पेजेस में आपका लास्ट में आता है जॉब वैकेंसीज, बहुत सारी जॉब्स आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए होते हैं अप्लाई के लिए, आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो आप देखिएगा। सो द थर्ड इज सिलेक्शन, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू fill the vacant job position. The selection is done through a process which involves test, interview, etc. ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट में टेस्ट कंडक्ट करवा लिया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया, तो और जो बेस्ट मोस्ट डिजर्विंग पर्सन होगा उसको हम रखते हैं उसके क्वालिफिकेशन उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए। सो इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू fill the vacant job position. The selection is done through a process which involves test and interview, etc. In selection, number of selected candidate is less than the number of rejected candidates. That is why selection is called negative process also. Please underline this. In selection, number of selected candidates is less than the number of rejected candidates. That is why selection is called negative process also. So the main objective of selection are, first is to select the best among the available, and second is to make selected candidate realize that how seriously things are done in the organization. Please case studies karte rahiyega, practice karte rahiyega. Now fourth is placement and orientation. So placement refers to occupying of post by the candidate for which he is selected. After selection, the employee is given appointment letter and is asked to occupy the vacant job position. Recruitment हो गया, selection कर लिया, उसके बाद में उसको आपने job description या appointment letter दे दिया और उसकी उसको आपने job के लिए बुला लिया। Orientation refer to introduction of new employees to the existing employees. Large organization organize orientation programs. आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप
आपको आपके सीनियर्स से मिलाया जाता है उस प्रोग्राम में, आपको आपके सीनियर्स से मिलाया जाता है. सो ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स टू फेमिलियर्स द न्यू एम्प्लॉयज विद द एग्जिस्टिंग, वेयर इज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर टैक्स द न्यू एम्प्लॉयज ऑन ग्राउंड एंड इंट्रोड्यूसेस हिम टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ओके, नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. To improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunity for employees so that they can reach to top and keep improving their skill. आपको training देनी है आपके employees को ताकि उनकी skills, उनकी communication skills बहुत increase हो. वो जो business environment जैसे change होता है तो वो अपने आप को update करें, उनको technology के बारे में पता हो, उनको एवरी न्यू थिंग के बारे में पता हो. सो ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉयज. ऑर्गेनाइजेशंस कैन इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. So in most of the large scale organizations, there is a separate human resource department which performs staffing function. But in small organization, the line managers only perform all the functions. So small organization in which there is no human resource department include following steps also in the staffing process. So first is performance appraisal. After taking training and performing the job for some times, there is need that employees' performance must be evaluated. कि जो वो काम कर रहे हैं उनको evaluate किया जाए. Performance appraisal refers to evaluating the performance of employees against some standards. The standards are made known to employees in advance. Superiors prepare a feedback report on the basis of performance appraisal. आपका फीडबैक रिपोर्ट जो आपके वर्क के अकॉर्डिंग बनेगी, आप कैसा वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मिलेगा, आप कैसा वर्क कर रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारा उसमें डिटेल्स वाइज होगा. सेकंड इज़ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन रेफर्स टू बी प्लेस्ड एट ए हायर जॉब पोजिशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन आई रिपीट, प्रमोशन रेफर्स टू बींग प्लेस्ड एट ए हायर जॉब पोजिशन with more pay, job satisfaction and responsibility. Generally on the basis of feedback report of employees performance they are given promotion and opportunity for higher job position. आप हमेशा देखते आए होंगे, generally भी आपको पता होगा कि हाँ आज इनका promotion हो गया, वो कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना work बहुत अच्छे से किया और उनका जो उनकी duties थी, जो job duties थी, जो responsibility, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से work किया, उसमें उनको जो target दिया जाता था उसको बहुत अच्छे से complete किया. और promotion में क्या हुआ था, promotion refers to being placed at a higher job position with more pay. जो आपकी प्रेजेंट में सैलरी है उससे ज़्यादा वो पे उसको प्रमोशन में पैसा मिलेगा, प्लस आपकी पोस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कॉम्पनसेशन, इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब. इट इंक्लूड्स पेज, रिवार्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज. इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट. सो डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट पेमेंट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. द मैनेजर्स मस्ट फिक्स द राइट कॉम्पनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन टाइप ऑफ जॉब. ओके, नाउ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज टाइम बेस्ड पेमेंट एंड सेकेंड इज परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट. सो वॉट इज टाइम बेस्ड पेमेंट? This plan means salary or wages are paid on daily, weekly or monthly basis. कि आज आप डेली काम करके जा रहे हो तो आपको डेली का पेमेंट डेली मिल जाएगा. आज आपने काम किया उतना आपको पेमेंट मिल गया. आप कल नहीं आए तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. परसों नहीं आए तो पेमेंट नहीं मिलेगा. पाँच दिन आ रहे हो, पाँच दिन का पेमेंट डे वाइज आपको पेमेंट मिल गया, या वीक वाइज आपको पेमेंट मिल गया, या फिर मंथ वाइज आपको जो मंथली सैलरी है उस अकॉर्डिंग. परफॉर्मेंस बेस्ड, अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
पीसेज और यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉयज़। या तो परफॉर्मेंस बेस्ड कि आपको एक फिक्स दे दिया कि आपको इतना 5000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया और आपको आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको आपका पेमेंट मिल गया। सम पे प्लान्स यूज टाइम बेस्ड पेमेंट इन कॉम्बिनेशन विद सम इंसेंटिव सच एज बोनस कमीशंस एक्सेट्रा। सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कॉम्पनसेशन सच एज लेबर लो मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट यूनियन पॉलिसी कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी एक्सेट्रा। नाउ स्टाफिंग प्रोसेस में फर्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ मेन सॉरी एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स recruitment as the name implies center on finding candidate and making them apply for said vacancy voluntary. Okay, now selection means selection on the other hand means picking up only the best candidate that matches the job recruitment. Now placement and orientation. So placement aapko pata hai, placement refers to occupying of post by the candidate for which he is selected. After selection, the employee is given appointment letter and is asked to occupy the vacant job position. And last is training and development. Training refers to teaching and living activities carried on and for the primary purpose of helping members of organization acquire and apply the knowledge, skills, abilities and attitude needed by a particular job and organization. And promotion, performance appraisal after taking training, a performing the job, sometimes there is a need that employee's performance must be evaluated. Performance appraisal refers to evaluating the performance of employees against some standards. Promotion refers to being placed at a higher job position with more pay, job satisfaction and responsibility. Compensation is the human resource management function that deals with every type of reward individual receive in exchange for performing an organizational task. Okay, now staffing process, first estimating manpower requirement means finding number and type of employees required. Okay, now second recruitment, encouraging people to apply for job. Increase karo, motivate karo ki hamari company mein aap job ek bar recruitment ki aap job ke liye aao, aap exam conduct ho raha hai to exam do. Third is selection, choosing most suitable candidate ya most deserving candidate for job. And fourth is placement and orientation, giving job position, okay, and with other members familiarizing with other members and rules of organization. आप उनको rules बताओगे और ठीक है. Now training and development, improve skill to job performance. तो first क्या है, first ये है कि finding number कि आपको कितने persons चाहिए, कितने employees चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ आपके को रिक्वायर्ड है. फिर सेकंड आपको रिक्रूटमेंट करना है. थर्ड इज सेलेक्शन, जो मोस्ट सुटेबल पर्सन है उसको, मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है उसको जॉब पे रखना है. फोर्थ इज प्लेसमेंट की उसे देना है जॉब पोजीशन बता देनी है और उसको एग्जिस्टिंग पर्सन से मिलाना है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ऑरिएंटेशन करना है और जो रूल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनसे उनको बताना है. नाउ लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग स्किल टू जॉब परफॉर्मेंस. नाउ अपॉइंटमेंट इज एज पर केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज. सो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द जॉब. दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. ए फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स. B, placing right person at the right job. C, optimum utilization of human resources. D, improves job satisfaction and morale of the employees. So do all the MCQs and all the case studies, okay? And if you have any query, any doubt, please comment. Please drop a comment, okay? And thank you and have a nice day to all.